हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि गाइज आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आप भी अपने वीडियो को इस टाइप से एडिटिंग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू एंड तक देखना। मैं आपको स्टेप टू स्टेप इस टाइप की वीडियो एडिटिंग वीएन एप्लीकेशन में कैसे करते हैं, ऊपर कोई भी फोटो आप एड कर सकते हैं और अलग अलग आप इसमें इफेक्ट वगैरह आप और भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कम्प्लीटली इस टाइप का वीडियो कैसे बनाते हैं। सो गाइस, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो इधर से मैं अपने फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन कर देता हूँ और इधर टाइप करना है आपको प्ले स्टोर ओपन करके वीएन। और जैसे आप वीएन टाइप करेंगे तो ये वाली एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, तो इसको इंस्टॉल कर देना है। मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा, तो डायरेक्ट इधर से ओपन कर देता हूँ। इधर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इधर से आपको न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है, फिर आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो इधर से आपको वीडियो चूज कर देना है जो आपको एडिट करना है। तो मैं ये वाला वीडियो ले लेता हूँ और इस तरह के इंटरफेस में आ जाएगा। इधर से वीएन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है, इधर से आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके सबसे लास्ट में आना है। इधर आपको वीएन एप्लीकेशन का आपको लोगो देखने को मिलेगा, इधर से आपको डिलीट पर क्लिक कर देना है, ये डिलीट हो जाएगा। ये मेरा सिंपल सा वीडियो है जो आपको मैं एक बार प्ले करके बता देता हूँ। इधर से साउंड म्यूट कर देता हूँ और आप प्ले करके देख लीजिएगा, ये प्ले हो रहा है वीडियो। और सिंपल सा ये वीडियो है जिसमें कोई भी अभी तक एडिटिंग नहीं की है, नॉर्मल ये वीडियो है। और इसमें मैं अपना फ़ोटो एडिट करूँगा ऊपर की साइड में। तो इस तरह के इंटरफेस में आने के जस्ट बाद में आपको इधर से तो आपको ऊपर सेट करना है, ऐड करना है, वो आपको अपनी गैलरी में सेव करके रखना है। अगर आपका खुद का फ़ोटो या फिर कोई और फ़ोटो है तो आपको गूगल से डाउनलोड करके अपनी गैलरी में होना चाहिए। फिर आपको इधर से ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको वीडियो एंड फोटो पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इधर से फोटो पर आ जाना है। तो आपका जो भी गैलरी में फ़ोटो होगा वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला मेरा फ़ोटो है जो मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ। तो इस तरह से फ़ोटो आने के बाद में, इस पर क्लिक करने के बाद में, इस फ़ोटो को बड़ा कर देना है साइज़, और इस साइज़ को इस तरह से सेट कर देना अपने इस वीडियो के हिसाब से। तो मैं इस फ़ोटो की मेरी साइज़ को इस तरह से सेट कर देता हूँ। और इस तरह से सेट करने के जस्ट बाद में आपको इसकी साइज़ को भी बड़ा कर देना है, अपने वीडियो के बराबर कर देना है। तो इसको इस तरह से आपको बड़ा कर देना है, फिर आपको इधर से आगे ऑप्शन पर मूव करना है और इधर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मास्क, तो इस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इधर से फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, फिर आपको ये वाला ऑप्शन को नीचे लाना है, अपने चेहरे से ऊपर ही रखना है, अपने मतलब कि खुद के ऊपर ना आए। तो मैंने जैसे सेट किया है आपको भी इस तरह से सेट कर देना है। फिर इधर से ये वाला ऑप्शन को ऐसे खींचना है इस टाइप से, तो इधर इस तरह से ये ऐड हो जाएगा और इसको इस तरह से सेट कर देना है। उसके जस्ट बाद में आपको इधर से राइट पर क्लिक कर देना है और उसके जस्ट बाद में आपको ब्लेंडिंग वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, इधर से आपको मल्टीपल पर क्लिक करना है, फिर आपको इधर से राइट पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये फोटो कुछ इस तरह से एडिट हो गया है, ऊपर की साइड में ऐड हो गया है। तो मैं आपको प्ले करके बता देता हूँ, तो देख लीजिएगा ये ऊपर की तरह ऊपर की साइड में ऐड हो गया है, लेकिन ये पूरे वीडियो में देखने को मिल रहा है। लेकिन अपने को अपना जो स्टेप है वीडियो के हिसाब से इसको एडिट करना है, सेट करना है, फ़ोटो आना चाहिए वीडियो के हिसाब से। तो उसी टाइप से सेट कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। इससे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आप अपना वीडियो शूट करते हो तो मेरी तरह जो मैंने जिस टाइप से मैंने वीडियो को शूट किया उसी हिसाब से आपको भी वीडियो को शूट करना है। जैसा कि देख लीजिएगा ये मेरा वीडियो है, ये वाला वीडियो है, इसमें मेरा जो ऊपर का जो साइड देखने को मिल रहा है मतलब कि जो जगह है ऊपर की वो ज़्यादा है। तो आपको भी वीडियो को इस टाइप से ही एडिट करना है, वीडियो को शूट करना है अपने नॉर्मल कैमरे से। तो इस टाइप से वीडियो को शूट करना है कि ऊपर की जगह ज़्यादा देखने को मिले, जहाँ पर अपना फ़ोटो कोई भी फ़ोटो ऐड कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से वीडियो को शूट कर देना है, फिर आपको जो भी स्टेप से बनाना है उसी स्टेप से शूट कर देना है। जैसे कि मैं बैक साइड घूमने वाला स्टेप बनाया है, तो मैं देखता हूँ कि इधर से मैं बैक साइड घूम रहा हूँ, तो इस स्टेप से मैं इसको कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से बैक साइड घूमने वाला स्टेप है तो मैं इधर से कट कर देता हूँ। तो मैं अपने वीडियो के हिसाब से देख लेता हूँ कि कहाँ पर बैक साइड घूमने वाला स्टेप है। तो यहाँ से मेरा बैक साइड घूमने वाला, इधर से वीडियो पर टच कर देना है, फिर आपको इधर से ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना, तो ये पार्ट अलग हो जाएगा। फिर आपको वापस आगे आना है और कम्प्लीटली बैक साइड यहाँ तक मैं मतलब घूम गया हूँ, तो इधर से कट कर देता हूँ, वापस वीडियो पर टच करना है। फिर आपको जो बैक साइड वाला घूमने का जो स्टेप है इसको फास्ट कर देना है, इधर से आपको स्पीड पर क्लिक कर देना है, रेगुलर पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इधर से आप फास्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना फास्ट करना है, फिर इधर से राइट पर क्लिक कर देना है, तो ये फास्ट हो गया है। और उसके बाद में अपने फ़ोटो को भी इस टाइप से आपको एडिट करना है कि बैक साइड घूमने पर
फोटो देखने को मिलेगा। तो जैसा कि बैक साइड वाला जो स्टेप है, इधर आ जाना है, फिर फोटो पर क्लिक करना है, इधर से आपको वापस कट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको आगे की साइड में आ जाना है और इधर से इसको डिलीट कर देना है। और देख लीजिएगा ये सिंपल सा एडिट हो गया है। और उसके जस्ट बाद में आपको इसमें इफ़ेक्ट ऐड करना है, तो इधर से आपको फोटो पर क्लिक करना है, एपेक्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपको आगे मूव करना है, उसके बाद में ये वाला इफ़ेक्ट ले लेना है और उसके बाद में इसको आगे लेना है, आगे सेट कर देना है, इधर से राइट पर क्लिक कर देना है, फिर आपको वापस अपने वीडियो पर क्लिक कर देना है, वापस आपको एपेक्स पर क्लिक करना है, आगे मूव करना है, ये वाला ऑप्शन वापस ले लेना है, इसको आगे सेट कर देना है, राइट पर क्लिक कर देना है। तो ये वीडियो बन गया है, देख लीजिएगा, ये देखिए इस टाइप से तो एडिट हो गया है। फिर इसमें और लाइटिंग करना है और इफ़ेक्ट ऐड करना है, तो आपको इस वीडियो पर क्लिक कर देना है, फिर आपको थोड़ा सा आगे मूव करना है, इसको तो सेम इधर ही रखना है और आपको आगे मूव करना है, फिर जैसे इस वीडियो को फ़ोटो को कट कर देना है, फ़ोटो पर क्लिक करने के बाद फिर वापस बैक साइड वाला जो स्टेप है इस पर क्लिक करना है, एपेक्स पर क्लिक करना है, फिर आपको इधर से ये वाला ऑप्शन ऐड कर देना है। इस टाइप से वाइट वाला करना चाहते हैं ब्लैक वाला, तो मैं ब्लैक वाला कर देता हूँ, फिर राइट पर क्लिक कर देता हूँ, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ और इस स्टेप को सबसे आगे की साइड में ऐड कर देता हूँ, राइट पर क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिएगा मेरा वीडियो किस टाइप से एडिट हुआ है, ये बैक साइड घूमने वाला स्टेप है और फिर आपको ये देख लीजिएगा ये लाइटिंग मतलब कि हो रहा है। तो इस टाइप से वीडियो एडिट हो गया है। नॉर्मली आपको जैसा कि वीडियो बनाना है ऊपर की साइड में ऐड करना है, तो इस टाइप से आपको वीडियो एडिट कर देना है। और उसके बाद में अगर इसमें आप साउंड जोड़ना चाहते हैं, म्यूजिक जोड़ना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक कर देना है। इधर से आप म्यूजिक पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, जो भी आपको साउंड ऐड करना है तो इधर से ऐड कर सकते हैं। बाकी इधर बहुत सारे फीचर देखने को मिलेगा आपको, तो आप अलग अलग फीचर यूज कर सकते हैं। फिर आपको इस वीडियो को सेव करने के लिए सिंपल से आपको ध्यान रखना है, बैक साइड में इसका लोगो देखने को नहीं मिलना चाहिए, वरना फिर आपके वीडियो में लोगो भी ऐड हो जाएगा। तो ये लोगो भी मैंने रिमूव कर दिया, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। और उसके जस्ट बाद में इधर से आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको इधर से एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना था, ये वीडियो बन जाएगा और अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। इस तरह से आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको ये इस वीडियो समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।